हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वाति क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स फ्रैक्शन प्रैक्टिस सेट 20। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ऐड, तो हमें जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इनका हमें एडिशन करना है। तो फर्स्ट दिया है हमें 1/5 प्लस 3/5। तो फ्रैक्शन का एडिशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें डिनोमीटर जो दिया है सेम दिया है, तो डिनोमीटर हम एज इट इज लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 5 और 5 यहाँ पे सेम डिनोमीटर राइट एज इट इज, और जो न्यूमरेटर दिया है इनका हमें एडिशन करना है, 1 + 3 आएगा। सो 1 + 3 कितना होगा यहाँ पे 4, और जो डिनोमीटर हमें दिया है वो जैसा है वैसे ही लिखना है, तो आंसर आएगा हमारा 4/5। देन नेक्स्ट दिया है हमें 7/12 प्लस 2/12। तो दोनों नंबर में जो डिनोमीटर है ये सेम ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिनोमीटर राइज एज इट इज, तो एक ही बार हमें लिखना है क्योंकि ये सेम है दोनों के लिए। देन 7 + 2 जो न्यूमरेटर दिए हैं इनको हमें क्या करना होगा, ऐड करना है, तो 7 + 2, तो 7 + 2 कितना आएगा 9, और जो डिनोमीटर है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे तो 12, आंसर आएगा 9/12। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है हमें 2/7 + 1/7 + 3/7। तो यहाँ पे हमें 3 फ्रैक्शन दिए लेकिन सबके जो डिनोमीटर है ये क्या है, सेम ही है, तो सेम जब डिनोमीटर आता है तो हमें एक ही बार लिखना होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7, एक ही बार लिखना है क्योंकि डिनोमीटर सबका सेम है। देन जो न्यूमरेटर दिए गए हैं उनका हमें क्या करना है, एडिशन। सो 2 + 1 + 3 ऐसे करेंगे हम। सो देखिए यहाँ पे 2 + 1 = 3 एंड 3 + 3 क्या आएगा 6, तो 6/7 ये आएगा हमारा आंसर। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 2/9 + 7/9, अगेन डिनोमीटर क्या है सेम, तो इसको एक ही टाइम हम लिखेंगे यहाँ पे 9 और 2 + 7 करेंगे, सो 2 + 7 तो क्या आएगा ये हमें यहाँ पे आंसर 9/9। तो देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर सेम आ रहा है 9/9, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। जब भी आपका न्यूमरेटर और डिनोमीटर सेम आता है तो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मदर गेव 3/8 ऑफ 1 गेवर टू मीना एंड 2/8 ऑफ द गेवर टू गीता, व्हाट पार्ट ऑफ द गेवर डिड शी गिव देम ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे मदर ने जो भी गेवर लाए हैं उनमें से 3/8 पार्ट किसको दिया है यहाँ पे, मीना को। सो 3/8 पार्ट किसको दिया, मीना को दिया, एंड 2/8 पार्ट जो है ये किसको दिया है, गीता को दिया है। पर हमें क्वेश्चन क्या किया है यहाँ पे, व्हाट पार्ट ऑफ द गेवर डिड शी गिव देम ऑल टुगेदर, तो दोनों को ऑल टुगेदर मतलब एक साथ दोनों को कितना दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एडिशन। आपको हमेशा याद रखना है जब भी ऑल टुगेदर वर्ड आता है तो हमें क्या करने होते हैं एडिशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमें यहाँ पे दिया है, सो 3/8 ऑफ 1 गेवा 2 मीना, मीना को कितना दिया है यहाँ पे 3/8 पार्ट, और 2/8 ऑफ द गेवा 2 गीता, तो ये हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया है और हमें ऑल टुगेदर करना है, मतलब इनकी एडिशन करनी होगी। सो यहाँ पे दिया है हमें 3/8 प्लस 2/8 करना है यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा, तो जैसे हमने फ्रैक्शन का एडिशन किया है पहले, डिनोमीटर क्या है इनके सेम है, तो हम क्या करेंगे डिनोमीटर का एक बार लिखेंगे यहाँ पे, वन टाइम ही लिखना है एज इट इज 8 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 + 2 करेंगे, 3 + 2 न्यूमरेटर में करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 2 आएगा 5, और यहाँ पे आएगा 8 जो डिनोमीटर हमें दिया है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि ऑल टुगेदर पार्ट कितना दिया है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट लिख सकते हो शी गेव देम ऑल टुगेदर 5/8 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें यहाँ पे, द गर्ल्स ऑफ स्टैंडर्ड 5 क्लीन 3/4 पार्ट ऑफ ए फील्ड व्हाइल द बॉयज क्लीन 1/4, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड वॉज क्लीन टुगेदर। तो यहाँ पे एक जो फील्ड है इसको गर्ल्स ने, स्टैंडर्ड 5 की जो गर्ल्स ने यहाँ पे क्या किया है 3/4 पार्ट को क्लीन किया है, और बॉय जो है उन्होंने 1/4 पार्ट को क्लीन किया है, तो ऑल टुगेदर दोनों ने मिलके, गर्ल्स एंड बॉयज ने मिलके यहाँ पे कितने फील्ड का जो पार्ट है ये क्लीन किया है ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सपोज ये पूरा फील्ड है और यहाँ पे हमें जो डिनोमीटर दिया है मतलब 4 दिया है, तो यहाँ पे फील्ड के कितने पार्ट है 4 पार्ट किए हैं। हमने फ्रैक्शन में देखा है कि टोटल जो पार्ट होते हैं ये डिनोमीटर में लिखे जाते हैं,
तो फोर पार्ट में से गर्ल्स ने कितना यहाँ पे क्लेम किया है, 3/4, मतलब 4 में से 3 पार्ट्स, जैसे कि ये 3 जो पार्ट दिख रहे हैं ये गर्ल्स ने क्या किया है यहाँ पे क्लेम किया है 3/4। और जो एक पार्ट बचा है ये किसने किया है क्लेम, बॉयज ने। ये जो वन पार्ट है यहाँ पे दिया है, देखो 4 में से 1 पार्ट किया है 1/4, ये किया है बॉयज ने 1/4। तो ऑल टुगेदर गर्ल्स एंड बॉयज ने कितना पार्ट यहाँ पे क्लीन किया है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, गर्ल्स क्लीन 3/4 पार्ट ऑफ फील्ड, और बॉयज ने कितना किया है यहाँ पे, बॉयज क्लीन 1/4 पार्ट ऑफ फील्ड। और हमें ऑल टुगेदर निकालना है तो हमें एडिशन करना होगा, सो 3/4 प्लस 1/4। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे एक ही बार लिखेंगे 4 लिखेंगे, उसके बाद न्यूमरेटर का एडिशन 3+1, तो ये कितना आएगा 4/4। और हमें पता है कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो सेम आता है, मतलब यहाँ पे लिखिए 4 1 4 4 1 1, तो 1/1 इसको कैसे लिखते हैं हम, 1। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसका आंसर 1 आता है। तो ये 1 मीन्स क्या है, ये होल एंटायर जो हमें फील्ड दिया है ये पूरा साफ हो रहा है, क्योंकि 3 पार्ट जो है गर्ल्स ने किए, 1 पार्ट अगर बॉयज कर रहा है, तो यहाँ पे एंटायर जो फील्ड है ये क्लीन होता है। तो ऑल टुगेदर एंटायर फील्ड वॉज क्लीन, तो गर्ल्स एंड बॉयज जो है पूरा जो फील्ड है इसको क्लीन कर।